छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता के पास से लाखों रुपए मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कांग्रेस नेता को पैसे परिवहन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसको लेकर भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, वैसे ही लगातार राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगा रही है। इसी बीच छिंदवाड़ा के विसापुर में कांग्रेस नेता के पास पैसे मिलने से हड़कंप मच गया। छिंदवाड़ा एसडीएम ने कांग्रेस नेता के पास से लाखों रुपए जब्त किए, जिसको लेकर भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी अभी खबर मिली है कि विसापुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से 4.5 लाख रुपए जब्त हुए हैं, और उसमें मुझे और भी खबर मिली है कि वहां पर 50 लाख रुपए थे। रघुवीर मौने और गुंजन शुक्ला वो पैसा लेकर के वहां से फरार हो गए हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कमलनाथ जी करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं इस चुनाव में, नकुलनाथ जी खर्च कर रहे हैं। मेरा प्रशासन से कहना है कि रोज शिकारपुर में मेला लग रहा है, वहां से प्रतिदिन करोड़ों रुपए बांटा जा रहा है, उसमें भी वहां पर भी कार्रवाई करें, शिकारपुर में लोगों को बिठा लें, और इनके द्वारा इसी तरीके से पूरे जिले में पैसा बांट करके चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। मेरा छिंदवाड़े की जनता से निवेदन है, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, ये छिंदवाड़े के विकास की बात है। हमने 10 साल इनको दे दिया, उसके पहले 45 साल से ये लोग यहाँ पर है। 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है। मैं विनती करता हूँ कि इनके पैसों में शराब में ना आए, ये पैसा बांट के चुनाव जीतना चाहते हैं, और इतने वर्षों से छिंदवाड़े की भोली भाली आदिवासी जनता गरीब लोगों को पैसे बांट करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं विनम्र विनती करता हूँ मेरे मीडिया के साथियों से, चैनलों के माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि ये दिखाएं और बात करें, कमलनाथ जी से पूछें, नकुलनाथ जी से पूछें कि आप क्या पैसे बांट करके, आप इतने साल से यहाँ पर हो, हमेशा पैसा बांट करके आप चुनाव जीतते हो, क्यों चुनाव की छिंदवाड़े की जनता का आप भविष्य बर्बाद कर रहे हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस नेता के पास बड़ी मात्रा में पैसे मिलने से छिंदवाड़ा में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, छिंदवाड़ा।